मैथ का एग्जाम है ना, तो अच्छा से लिखना। चलो चलो, ये रेनकोट लेना है। सुबह सुबह बहुत ही भाग दौड़ होती है। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने फैमिली के लिए ही कर रही हूँ, अच्छा लगता है। और मैं ये जो काम भी कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना, इसलिए मैंने इसको ही चुना। कि मैं लोगों का डेली ब्लॉग्स देखती थी, तो मुझे लगा कि चलो मैं इस लाइन में आ सकती हूँ। कुछ लोग मेरे काम को लेके मजाक भी उड़ाते हैं कि क्या ये डेली दाल चावल पीछे सामने दिख रहे हैं। मेरे गुरुजी हैं, स्वामी जी अभी नहीं है, समाधि ले चुके हैं। मेरे ससुराल वाले इनको बहुत पूछते हैं, उनको लगता है कि मेरे घर में जितनी भी उन्नतियाँ हुई हैं उन्हीं की वजह से हुई हैं। तो कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, सोचते हैं कि क्या डेली दाल चावल लेके दिखाती है। और एक्चुअली मैं बता दूँ कि मैं प्योर जो हूँ भेज हूँ, नॉन भेज से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले कोई भी नॉन भेज नहीं खाते हैं। तो मैं भी इस चीज़ का, मैं कभी कभी सोचती भी हूँ कि मैं खाऊं, लेकिन नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने साफ मना कर दिया है कि ये सब चीज़ हमारे घर में नहीं बनेगा। अच्छा, कुछ लोग जैसे मैं कैमरा लेके बाहर निकलती हूँ तो थोड़ा सा हंसते भी, मजाक भी उड़ाते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। जो भी काम मैंने चुना है, दिल से चुना है, और मुझे लगता है कि आप लोगों का अगर सपोर्ट मिला तो मैं ज़रूर एक दिन सक्सेस हो जाऊँगी। और शुरुआत में कोई भी काम कीजिए तो कठिनाइयाँ तो आती हैं, आगे आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिला तो मैं 1000 सब्सक्राइबर ज़रूर पूरा कर लूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो आज मुझे ये बोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी लगता है कि ये सब दिखा के क्या लोग तुम्हें सब्सक्राइब करेंगे। तो मुझे जो है हार नहीं माननी है। मैंने जो भी काम किया है दिल से किया है, मुझे ये सब करने में अच्छा लगता है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप सभी लोगों को कि ये मुझे बचपन से ही इस लाइन में, मतलब यूट्यूब होता क्या वो तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन घर सजाना और कैसे इसको रखना, अभी तो मैं कंपनी प्रोवाइडेड घर में रहती हूँ, मेरा घर बहुत छोटा है, तो जो है मैं उसी हिसाब से मैं उसे रखती हूँ। मैं कभी भी थोड़ा पहले लगता था कि मैं सामान को कैसे एडजस्ट करूँ, फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है मेरा अपना है। तो जब भी कभी बड़ा, जब रेंट वेंट पे जाएंगे तो जो भी, वो तो बाद की बातें हैं। तो मैंने इस काम को चुना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए। सो लव यू, एंड जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें कि मैं दिखा सकूं कि हाँ, पहले तो मैं हाउसवाइफ थी और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं हाउसवाइफ हूँ। एक हाउसवाइफ भी अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। सो मैं इतना ही कहूँगी आज के लिए। एक पैर नहीं लगाते चिची है ये वाला चाय के साथ फ्री मिला है। मम्मी बेटू खाना तो है नहीं, चलो ये वाला खा बाबू, ये वाला बहुत अच्छा होता है। हाँ, आपको लग रहा होगा मेरे घर में कोई गेस्ट आया है। ये देखो, ये उस दिन जो बिस्किट मैंने दिखाया था, ये मैं भी ना अभी नाश्ता करने का समय है, लेकिन मैं क्या लेके बैठी हूँ, क्या चाहिए, क्या
बाबू दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? खाना है बाबू? मेरी बेटू को जो है ना बिस्कुट उतना नहीं पसंद पड़ता है, लेकिन कोई दे दिया तो वह सब से खाती है। लेकिन ये वाला जो मैं लेके आई हूँ ना, वो अलग दो तीन दिन से मतलब खा रही है बहुत अच्छा से, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप पहुँचे पहुँचे एक्चुअली मैं जो भी करती हूँ ना कैमरे में देखने के बाद, फिर वो भी उसको मिमिक्री करती है, वो बहुत जल्दी कैच कर लेती है कि मैं क्या करी, मैं क्या मतलब कोई भी टीवी में अगर गाना वाना भी देता है ना तो उसे लगता है कि वो गुनगुनाती रहती है। वो अपनी उस आवाज़ को मतलब जब ध्यान से सुनिएगा तो पता चलेगा कि वो गुनगुना रही है उस गाने को, या जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को वो रिपीट करते रहती है अपने भाषा में। क्या दो, क्या दो, कोई दिख रहा है, कोई दिख रहा है? नहीं कर रहा है मेरा, बच्चों के घर में तो पता ही है। ये रिमोट का देखो दिख रहा है, मुझे नया लाना पड़ेगा। सब इसका चटनी बन गया है, कोई भी बटन काम ही नहीं कर रहा। मैं मार्केट निकलूंगी तब ना, पहले मेरी छोटी जो सोमिया थी वो दूध इस पे गिरा गिरा के, मतलब एक नया रिमोट था, दूध गिरा के बर्बाद कर दी मेरी। और ये छोटी वाली बेटी है वो सब ये बैठी बिल्कुल भी बेकार हो गया है, कुछ काम नहीं आ रहा है। बस एक क्या लगा के बैठी हूँ, नाप तोल वाला, उसके आगे हिल ही नहीं रहा है। मुँह पैर नहीं रखते बेटा, ये खाने वाला चीज है ना। कहाँ है मम्मा, मम्मा कहाँ है? मुझे है ना जो पतला वाला सेव जो होता है ना गुजर इसको बोलते हैं, उसके साथ बूंदी मिला के खाने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिन हो गया वैसे खाए हुए, मैं लेके आऊंगी। ये मैं जब पहले पोस्टिंग हुआ था, पता नहीं कितना सुपर है कैमरा की नहीं, ये एक क्या बोलूं, ये जो है ना ये गोलू सा, ये नारियल का, ये नारियल है सूखा हुआ शायद नारियल, और इसको अपना कला दिखाते हुए इस टाइप से किसी ने बनाया है। ये अफवाह में था एक शॉप पे, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसे ले लिया।
एक्चुअली ये दो का पेयर होता है, लेकिन मैंने एक ही लिया, तभी ये काफ़ी चीप मुझे मिल गया था। मुझे एक एंटी पीसेस टाइप का लगा, इसलिए मैंने ले लिया, मुझे अच्छा लगता है। और ये मैं हासीमारा में, एक जगह है भूटान के पास, तभी मेरी पोस्टिंग वहाँ पे हुई थी तो मैं वहाँ से लाई थी। एक्चुअली ये दो पेयर में होता है, लेकिन मैंने ख़रीदा एक ही पेयर में, क्योंकि उस समय ये कोई ऐसे, आज के डेट में तो कोई ज़्यादा दाम नहीं है। ये जब भी मैंने खरीदा था तब वैसे ही 100 रुपीज़ का ही था। उस समय 100 रुपीज़ भी 10-12 साल पहले मुझे लगा कि शायद बहुत ज़्यादा दाम है, तो मैंने एक ही ख़रीदा। अच्छा लगता है ये वुडन कलर में था, तब मैंने इसे कलर कर दिया क्योंकि ज़्यादा स्क्रेच आ गया था इसके। तो डांस करना है, डांस करके दिखाओ। अरे मेरी बिट्टू घर में कैसी लग रही है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। बिट्टू ये वाले ना ऐसे छोटे से कितने सुंदर लग रहे हैं। बेटा बेटा ये वाले, ये ऐसे ही मेरे घर में पड़े हुए थे, मैंने इसे कलर कर दिया। मम्मू आज काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। ये दो ना प्यारे प्यारे बहुत सुंदर लग रहे हैं, इसको मैं कहाँ सजाऊंगी पता है। किचन में पहले मैंने रखा था लेकिन मुझे यहाँ नहीं रखना। बाबू नहीं चिल्लाओ, इसको मैं यहाँ इसको बाबू ये यहाँ पे रखूँगी, यहाँ पे स्टोन के पास। आओ देखो ये क्या है, ये मैंने कुछ पत्थर, ये तो मैंने दिखाया था आपको, ऐसे ही एक स्नेक प्लांट है मैं लेके आई थी। तो ये ना मुझे एक प्लांटिंग खरीदना, ये प्लांटर जो ऐसे ब्राउन कलर के, इसको मैं कलर नहीं करूँगी, कोई सी सेरेमिक पॉट जैसा मिल गया ना तो मैं उसमें इसको डाल दूँगी, सुंदर लगेगा। ये सब जो स्टोन है ना हरिद्वार का है, मैं पत्थर बटोरते चलती हूँ। एक्चुअली मैं नहीं गई थी, मेरी सासू माँ गई थी, तो मैंने ऐसे ही रखा है यहाँ पे। मेरे पास एक बोरा पत्थर है, मैं छिपा के पलंग के नीचे रखी हूँ ताकि मैं फेंकती नहीं हूँ। वाइट वाइट कलर के स्टोन है ये, सामने से इसका लुक देखिए। मैं नहीं फेंकती हूँ पत्थर को, कहीं भी जाती हूँ तो फिर मैं अपनी जैसा जगह है उस हिसाब से सजाऊंगी। ये वाला ये हरिन टाइप का है, मैं तभी धनबाद में रहती थी तो ऐसे ही क्राफ्ट मेला एक लगा था, अभी भी शायद वो लगा है वहाँ पर दूर हूँ तो जा नहीं पाऊँगी। तो वहाँ से ये वाला हरिन मैंने खरीदा है। और ये हाफ हाफ जो पॉट टाइप का देख रहे हैं, वो तो पिछले साल दीपावली के आसपास में खरीदा था, ऐसे ही दरवाजे पे आ गया था। तो ये बहुत ही चीप है, मुझे 135 में मिला था शायद ये दोनों पॉट। और ये हरिन तो महंगा था, और ये तो ऐसे बनारस से शायद मेरी बहन ने मुझे दिया था, ओम लिखा हुआ है। तो मैं छोटे छोटे चीज़ों को रखती हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें खरीदती हूँ, कैसे ओम जैसा लगा हुआ है। ये वाला एक फ़ोटो, पता नहीं कैमरा दिखा रहा है कि नहीं, इस पे शीशा लगा हुआ था और ये ट्रांसफर में आते वक्त ये टूट गया, तो मैंने इसे प्लास्टिक लगा दिया था लेकिन निकल गया है। मैं इसे फ्रेमिंग करवाऊंगी, इसमें मेरे सास ससुर मम्मी पापा मेरे भाई हैं, मैं हूँ और मेरी कुछ यादें हैं। इसे मैंने फ्रेम करके अपने हस्बैंड को दिया था, कुछ गिफ्ट टाइप का था। इसका शीशा टूट गया है तो मैं लगाऊंगी, बस मैं जा नहीं पाती हूँ लगाने के लिए।
और ये एक गणेशा है जो सूरज के डिजाइन का, ये भी मुझे अच्छा लगा, यूनिक टाइप का, तो मैंने इसे ख़रीदा था। मेरे पास गणेशा का कलेक्शन था पर बस अभी नहीं है किसी वजह से। ये गणेशा पत्ते वाला ही काफ़ी पुराना है, वही मैं हासीमारा में थी तो ख़रीदी थी, एक बालाजी मंदिर था तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। इस टाइप का मैंने देखा था तो मेरी बहन ने मुझे बना के दिया था, मैं उसे ससुराल में रखी हूँ अपने, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये एक की रिंग है, वो मैं आप मेरे वीडियो में पहले भी देख चुके हैं, ये एलिफेंट जैसे तीन हैं, अच्छा लगता है। इस टाइप की चीज़ें मुझे ख़रीदना बहुत पसंद है। लग गया, अच्छा आ जाओ। और ये उस दिन जो मैंने फ्लावर दिखाया था ना, ये क्या बोलूँ इसको, पत्ते वाला डिजाइन का, इस पर ये बर्ड लगी हुई है जो मैंने शंख में लगाया था देखने के लिए, ये वही बर्ड्स हैं। चलो ले लो। और इसको भी मैंने ना पॉट में नहीं रखा है, मैं दिखा रही हूँ। ये जो है ना, मेरे पास एक सिंपल सा डब्बा था, ये वाला मुझे बहुत दिन हो गया, काफ़ी पुराना, 7-8 साल पुराना था, तो मेरे पास समझ में नहीं आ रहा था मैं इसे कहाँ रखूँ। अभी तुरंत पॉट खरीदने भी नहीं जा सक नहीं गई, तो मुझे दिमाग में आया ऐसे कि मेरे पास इस टाइप का एक डब्बा है, पता नहीं इसमें ऊन आया था कि क्या, मुझे मालूम नहीं है। तो ये सब भी देखो, स्टोन है वाइट वाइट, और कुछ पहले के बेकार मेरे पास इस टाइप के ऐसे सीप ये सब थे, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसमें हैवी लगने के लिए ताकि ये जो है आराम से उस पर टिक पाए, तो मैंने इसमें ऐसे रख दिया। और ये दो छोटू सा लव के ऐसे साइन के वे मेरे पास थे, मैंने कभी हस्बैंड को दिया था, जो पहले हम लोग बहुत एक दूसरे को गिफ्ट देते थे, अभी कम कर दिया है, तो वो इसमें मैंने ऐसे ही लगा दिया है, सुंदर लग रहा है। तो इस टाइप के मैं, मेरे दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई चीज़ खरीद के लाऊं पॉट या कुछ तभी सजाऊंगी और अच्छा लगेगा, ये मेरा आइडिया है। अब इसको पागलपंथी कह लो या जो भी कह लो, मुझे अच्छा लगता है। मैं इस टाइप की शादी से पहले भी कुछ कुछ किया करती थी, दिमाग में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है कि ये चीज़ ऐसे करूँगी तो अच्छा लगेगा, ये चीज़ ऐसे करूँगी तो अच्छा लगेगा। मेरी बेटू देखो, ये मुमू आओ, मुमू ये प्लास्टिक का ये जो चाकू ली है, उसको इसका बर्थडे याद है, वो चाकू लेके हैप्पी बर्थडे करते रहती है। उसको अभी मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला है अक्टूबर में, तो उसका बर्थडे मनाऊंगी। उतना तो मैं घर में ही ऐसे ही मना लेती हूँ, सब कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं, सारे कपड़ों को भी मुझे समेटना। आज का ये छोटा सा वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ अपने इस ब्लॉग को, और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसा कि मैं हमेशा और हर वीडियो में बोलती रहती हूँ कि मैं नई यूट्यूबर्स हूँ, तो आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और नए वीडियो बना सकूं। और आप लोग जैसा वीडियो चाहते हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इस टाइप की वीडियो मुझे देखना पसंद है, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए। सो बाय बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में।